पिछले 48 सालों से चल रही है, लेकिन आज तक इस योजना को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर क्योंझर जिला प्रशासन से एक बैठक की गई। बैठक में कानपुर वृहत जलसेचन प्रकल्प योजना को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में कानपुर दयाम बूढ़ी अंचल सुरक्षा समिति के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया, जिस पर कानपुर विस्थापित लोगों ने नाराजगी जाहिर की। कानपुर सुरक्षा समिति का कहना है कि जल्द से जल्द कानपुर जल सिंचन प्रकल्प को पूरा कर लिया जाएगा और कानपुर विस्थापित लोगों को खेती के लिए जमीन, घर बनाने के लिए रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना को पिछले 48 सालों से शुरू किया गया, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ। इस योजना का शिलान्यास 1980 में पूर्व सीएम जानकी वल्लभ पटनायक ने किया था। साल 1995 में पूर्व सीएम बीजू पटनायक और वर्तमान सीएम नवीन पटनायक समेत कुल तीन मुख्यमंत्रियों ने इस योजना का शिलान्यास किया। इस योजना को साल 1971 में वैतरणी नदी पर बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अब तक इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका। जरा सोचिए, ऐसे में इस योजना का लाभ किसानों को कैसे मिल पाएगा। कानपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट का जो समिति है वो सब आए थे, डीसी आए थे उधर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोगों ने कानपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करना था, लेकिन हम लोगों को घुसने नहीं दिया कि हम लोगों मैंने डीसी के साथ बात करने नहीं, हमको धक्का मार कर निकाल दिया। हम जो चाह रहे जो डीपी का जो लिस्ट बना हुआ है उसको रिजेक्ट करके नया लिस्ट बनाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अभी तो हम जब तक हमका थोकान कंप्लीट नहीं होगा तो जमीन वमीन सो नहीं तोड़ना है, घर भर नहीं भांगना है, तो फिर जो एडिशनल डीपी सर्वे हुआ है उसको फिर से करना चाहिए। डीसी आया हुए हैं तो हमारा जो तकलीफ है हम बूढ़ी अंचल का उसको यहाँ हम बोलने के लिए आया था, लेकिन हमको यहाँ घुसने नहीं दिया। ये बड़ी दुख बात है, ये सबसे बड़ी दुख बात है कि हमको घुसने नहीं दिया, इतना आदमी सारे आदमी को निराश किया। प्रशासन क्यों डर रहा है हमको, प्रशासन क्यों डर रहा है? प्रशासन जो अच्छा काम किया तो डरना क्या है, हमको क्यों नहीं घुसने दिया? हमको हमारा जो तकलीफ है हमको बोलने क्यों नहीं चांस दिया? हमको जो केंद्र जिला के लिए हम बहुत बड़ा त्याग किया है, ये जमीन हमारा घर सब कुछ हम छोड़ दिया, तब भी हमारा दुख सरकार अभी तक कुछ नहीं सुना। हमारा जहाँ पर हम अपना उद्यम से हम जो घर किया उसी में भी अभी रोड नहीं, नई रास्ता, पीवा पानी कुछ भी नहीं सहायता। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निर्मल चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल चंद, अगर देखा जाए तो क्योंझर जिले में एक ऐसी योजना है जो पिछले 48 सालों से जिसका शिलान्यास हो चुका है, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा तीनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसका शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। क्या कुछ अड़चन आ रही है, विस्तार से बताएं। जो केंद्र का जो सूखे से बचाने कहर से बचाने के लिए प्रकल्प 48 साल पहले केंद्र कानपुर में हुआ था, वैतरण जो नदी है यहाँ पे उनको लेके ये जल सिंचन प्रकल्प शुरू हुआ था। मतलब अभी तक भी ये प्रकल्प खत्म नहीं हुआ, 50% भी काम नहीं हुआ। देखियो ये हुआ था, ये जो ये काम जो हो रहा था पहले जो काम था 85 करोड़ का था ये जो प्रोजेक्ट, फिर इसको बढ़ा के 450 करोड़ किया गया, फिर 2013-14 में इसको बढ़ा के 2438 करोड़ किया गया। अभी तक भी ये जो काम 50% काम नहीं हुआ है। निर्मल चंद, अगर देखा जाए तो अब तक जिस तरीके से 50% काम भी शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसानों को इसका फायदा कैसे मिल पाएगा। इसलिए जो मीटिंग हुआ था केंद्र में, हाल ही में हुआ था जो मीटिंग, जो हुआ था मीटिंग, इस मीटिंग में इसके विस्तार से बातचीत किया, कब कैसे खत्म होगा इस बारे में पूरा फुल चर्चा हो रहा है। सरकार ये चाह रहा है कैसे जल्दी जल्दी खत्म होगा, अभी तो अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित है जो लोग रहते हैं वहाँ पे उसको ठीक तरफ से विस्थापित नहीं किया गया, इसलिए यहाँ ज्यादा टेंशन हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल चंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।